हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नैनाज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ पेड़े। ये बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। कोई भी ऐसी कोई ट्रिक भी नहीं है इसमें, हम जब चाहे तब इसको अपने घर में बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं पेड़े। पेड़े बनाने के लिए मैंने ये दूध लिया है, ये 1-1 केजी 2 दिन का दूध मैंने रखा है। दोनों को मैंने उबाल के रखा है और दोनों फुल क्रीम मिल्क है। तो अब मैं इसको कढ़ाई में डाल देती हूँ। मैं पेड़े बनाने के लिए ये लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस दूध को अभी मैं उबाल रही हूँ दोबारा, और इसको मैं इसी तरह से चलाती रहूंगी। घर में पेड़े बनाने में वक्त तो ज़्यादा लगता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी पेड़े बनते हैं और मिलावट रहित होते हैं, इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है, तो हेल्थ के लिए भी वो ज़्यादा बढ़िया है। मेरे घर में जब भी कभी बीच बीच में दूध बच जाता है तो मैं 1-2 किलो 2 किलो दूध जमा करके और मैं उसके पेड़े बना लेती हूँ। मैं इसको हाई फ्लेम पे इसी तरह से कंटिन्यू उबालूंगी, लेकिन इसको मैं बीच बीच में चलाती रहूंगी ताकि ये तली में पकड़े नहीं, और इसमें जो भी ये मलाई आ रही है उसको मैं मिलाती जाऊंगी। इसको चलाते हुए मुझे अभी 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट से मैंने इसको हाई फ्लेम पे चढ़ा रखा है और ये देखिए करीब करीब ये आधा हो गया है, और ये एक मैंने इस तरीके से रख दिया है इसके ऊपर ताकि ये दूध जब भी उबले तो बाहर ना गिरे। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा उबल गया है, लेकिन ये जो मैंने इसके ऊपर कलछी रखी है इसकी वजह से ये बाहर नहीं गिरता है। तो अब मैं इसको फिर से चला के मिला देती हूँ, क्योंकि मैं इसको छोड़ के कुछ अपना काम भी बीच बीच में कर रही हूँ। तो अगर मैं ऐसे ही छोड़ के जाऊंगी तो फिर ये गिर जाएगा बाहर। अब ये दूध हमारा काफी गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं ये करीब 1/4 से भी कम बचा है और ये बहुत गाढ़ा हो गया है, ये देखिए। तो अब मैं इसके ऊपर से ये कलछी हटा देती हूँ, क्योंकि अब ये उबल के ऊपर आने वाला नहीं है। और फ्लेम को मैंने थोड़ा लो किया है, मीडियम लो करके रखा है मैंने इसको, क्योंकि अब ये अगर मैं इसको कंटिन्यू चलाऊंगी नहीं और फ्लेम को थोड़ा लो नहीं करूँगी तो ये जल जाएगा, तो इसलिए मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम किया है। और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ इलायची का पाउडर। ये फ्रेश इलायची को मैंने क्रश किया है और इसको मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। और इसके साथ ही अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये चीनी। ये 1/4 कप चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 लीटर दूध में मैं 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको अगर बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें 1/2 कप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें चीनी डाली है तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ देर के बाद ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। अब ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है और इसको मैं कंटिन्यू चला रही हूँ। इसमें से कुछ छींटे भी उड़ रहे हैं तो थोड़ा सा संभाल के इसको चलाना है, क्योंकि अभी अगर हम इसको कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो ये पेड़ी में पकड़ लेगा। इसी तरह से मैं इसको कंटिन्यू चलाती रहूँगी जब तक इसकी कंसिस्टेंसी पूरी तरह से जमने लायक नहीं हो जाती।
चीनी भी हमारी पूरी तरह से इसमें मिल गई है। ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है लेकिन अभी भी जमने वाली कंसिस्टेंसी इसकी नहीं आई है, तो इसको मैं थोड़ा सा और अभी इसी तरह से कंटिन्यू चलाती रहूँगी। अब ये काफ़ी थिक हो गया है और अब हम इसको ठंडा होने देते हैं, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा चलाती रहूँगी क्योंकि कढ़ाई लोहे की है जो अभी काफ़ी गर्म है, नहीं तो ये पेंदी को पकड़ लेगा। तो इसको मैं इसी तरह से कंटिन्यू अभी चलाती रहूँगी, लेकिन इसको ठंडा होने के बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। अब ये मिक्सचर हमारा एकदम ठंडा हो गया है, मैंने हाथ को अच्छी तरह से घी लगा के ग्रीस कर लिया है, तो अब मैं इसमें छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी। आप जिस भी साइज़ का बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इस तरह से मैं छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी ऐसे। आप भी इसे बना के एक बार ट्राई करें, अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।